नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। राव इंद्रजीत सिंह चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर लगातार दावे इसलिए ठोक रहे हैं क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनानी है तो फिर अहिरवाल के इलाके को साधना उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है और अहिरवाल के इलाके में राव इंद्रजीत सिंह की मजबूत सियासी पकड़। लेकिन इस बयान को लेकर के बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और बीजेपी हाईकमान पर दबाव बनाकर के टिकट लेने वाले राव नरवीर सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया। राव नरवीर सिंह का कहना है कि निश्चित तौर पर राव इंद्रजीत सिंह सीएम की कुर्सी के बड़े दावेदार। राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द दक्षिण हरियाणा की राजनीति घूमती है। उनका परिवार बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय है और राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर ही दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को अच्छी खासी सीटों पर जीत मिलती हुई पिछले 2 चुनाव में नजर आई। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही राव नरवीर सिंह बीजेपी की अंदर की बात भी बता गए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और विचारधारा को लेकर राव नरवीर सिंह ने कहा कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती। उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मूल रूप से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की मुख्यमंत्री बनने की तमाम महत्वाकांक्षाओं पर यहां पूर्ण विराम लगाते हुए राव नरवीर सिंह नजर आए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप भी चीफ मिनिस्टर बनने की यहाँ पर इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल था, बीजेपी में मैंने 15 साल पहले एंट्री की है और ऐसे में मैं इस प्रकार की कोई भी यहाँ पर गलतफहमी या महत्वाकांक्षा नहीं रखता हूँ कि पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि मैंने लगातार यहाँ पर जीत दर्ज की है और दक्षिण हरियाणा में गुरुग्राम से लगातार उनका सियासी दबदबा भी देखने को मिलता रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान कभी भी दूसरे राजनीतिक दलों से आने वाले नेताओं को सीएम जैसा बड़ा पद नहीं सौंपती। तो क्या ऐसे में बीजेपी को दक्षिण हरियाणा में बड़ा झटका लगने वाला है और क्या राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीदें धूमिल होती हुई नजर आई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।